हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट स्टाइल एंड सत्यकाल। मैं हूं पिंकी और आज एक फोटो फ्रेम का रिव्यू लेके आई हूं, जिसको मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, मीशो से बनवाया था। और कैसे बनवाते हैं वो भी सारी डिटेल बताऊंगी, आगे वीडियो देखते रहिए। और ये है मेरा कुछ पार्सल जो मुझे आज ही रिसीव हुआ है। 14x20 का ये फोटो फ्रेम है और मैंने सिर्फ फोटो को ओपन, फ्रेम को निकाला है, फोटो को ओपन नहीं किया है। आपके सामने मैं रिव्यू करूँगी, ओपन करूँगी। तो यहाँ पे बैक साइड आपको दो हुक दिए जाते हैं। क्यों? बिकॉज अगर आप ऐसे में बनवाते हो फोटो तो यहाँ पे आपको बैक साइड एक मिल रहा है, आप ऐसे हैंग कर सकते हो, अगर आप ऐसे भी हैंग कर सकते हो। बॉक्स में से निकाला था तो मुझे लगा इन लोगों ने फोटो बनवाया नहीं है, मुझे व्हाइट कलर का नॉर्मल खाली फ्रेम दे दिया है। लेकिन जब मैंने फुल फोटो फ्रेम निकाला तो यस, यहाँ पे फोटो दिख रहा है और आप ही के सामने भी ओपन करूँगी मैं। अगर मैं फ्रेम की क्वालिटी की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा हल्की क्वालिटी है और ब्लैक कलर का है, बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। फोटो फ्रेम अगर आप बनवा रहे हो तो हल्का सा ब्राउन एंड गोल्डन टच डलवाओगे तो वो काफ़ी रिच लगता है। पैकिंग मुझे पता है कैसे रिसीव हुई थी, यहाँ पे ऐसे कुछ बॉक्सेस लगे हुए थे चारों तरफ से ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो। तो पैकिंग तो अच्छी थी, बढ़िया थी, बाकी क्वालिटी और फोटो की मेन क्वालिटी देख लेते हैं कैसी है। देखिए, इसकी प्लास्टिक मैंने रिमूव कर दी है और यहाँ पे एक कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है, ये लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो पे भी सेल करते हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट नंबर मैं आपको सब बाद में मेंशन करूँगी। तो ये है हमारा फोटो, ओपन कर लेते हैं। क्वालिटी वाइज इट इज गुड, बट यू नो एक मेरे को बात पसंद नहीं आई, इन लोगों ने जो साइड में आप देख रहे हो ये बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर छोड़ दिया है चारों तरफ। तो आई थिंक फोटो पूरा होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा कम हो गया फोटो, तो ये बात मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन अगर मैं लुक की बात करूँ तो इट वॉज नाइस, ओके ओके है। ऊपर से जो है वो प्लास्टिक है, ग्लास मटेरियल नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर फोटो कभी गिर जाता है बाय चांस तो वो टूटेगा नहीं, और आजकल ग्लास फ्रेम से ज़्यादा प्लास्टिक लेमिनेशन ही चल रहा है। और वैसे तो मुझे मैरिज का फोटो बनवाना था, लेकिन आई थॉट कि ये मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी मेमोरी है। ये मेरा श्रीनगर का फोटो है विथ माय हस्बैंड, आवर फर्स्ट ट्रिप, और काफ़ी ब्यूटीफुल फोटो, मेरा फेवरेट फोटो है, इसीलिए मैंने ये बनवाया। वैसे एक फोटो फ्रेम में आप कम से कम 8 से 10 फोटोज ऐड करवा सकते हो, कॉलेज बनवा सकते हो, लेकिन मुझे आई थिंक अगर देखो दीवार पे आप लगाओगे तो अच्छे से ढंग से एक फोटो तो दिखना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे इतने सारे एक ही फ्रेम में फोटो लगवाओगे तो ढंग से तो वो एक भी नहीं दिखेगा और वो मैसी मैसी लगता है। तो आई थॉट कि एक ही प्यारा लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी है, एक ही फोटो में आप बहुत सारे फोटो ऐड करवा सकते हो। अब आते हैं क्वालिटी, ये इतना हल्का है कि इसका 500 ग्राम भी वजन नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी इसको हैंग करना है दीवार पे तो आपको यू नो खील लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्लास्टिक वाला हैंगिंग आता है स्टिकर, उस पर भी आप हैंग करोगे ना तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वजन नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि मीशो से ऑर्डर कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और अच्छा वाला फ्रेम दिखा देती हूँ। सो यार, दिस इज़ अवर फोटो एंड मैं आपको फ्रेम की क्वालिटी भी दिखा देती हूँ पास से। ये देखिए, काफ़ी हल्का मटेरियल है और बैक साइड भी व्यू दिखा देती हूँ। जस्ट सिंपल सा कार्डबोर्ड लगा हुआ है और मैं आपको एक दूसरा फोटो फ्रेम भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा दूसरा वाला फोटो फ्रेम जो कि मैंने लोकल मार्केट से बनवाया था। आप इस फोटो फ्रेम की ब्रॉडनेस देखो, इसकी थिकनेस देखो, ऑल्सो फोटो में जो है ना आपको एक स्पार्कल मिलेगा। ये देखिए, ऑल्सो मेरे इस गुरु नानक जी के फोटो फ्रेम में लाइट भी है। ये फोटो मैंने 1900 में बनवाया था। ये जो हमारा फ्रेम है यही काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। अब मैं आपको कंपेरिजन में इस फोटो फ्रेम का फ्रेम दिखाती हूँ। ये देखिए, सो मैं आपको दीवार पे भी लगा के दिखाती हूँ जो कि मैं वहाँ लगाने वाली हूँ, और आपको लुक भी दिखाऊंगी कैसा आ रहा है। सो ये है मेरा लुक, और जो इन लोगों ने ये वाइट बॉर्डर छोड़ा है साइड से, बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है।
ऐसा नहीं करना चाहिए. फ्रेम भी ब्रेथ में काफ़ी ज़्यादा छोटा है. आई विल सजेस्ट डोंट बाय फ्रॉम मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट. उससे अच्छा है आप कहीं पास में फोटोशॉप में चले जाओ, अपनी पसंद का फोटो फ्रेम ले लो, अपनी पसंद से ही सब बनवाओ, क्योंकि ऑनलाइन तो ये लोग अपनी पसंद से कुछ भी मतलब बना के देंगे और चार्जेस भी आपको पे करना पड़ेगा. उससे अच्छा मैं आपको ये वाला फोटो फ्रेम दिखाती हूँ. इसका बॉर्डर कलर फोटो फ्रेम का बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. ये देखिए, इसमें ब्लैक एंड ब्राउन दोनों शेड्स है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है. फोटो में भी स्पार्कल है, जैसे कि मैंने आपको गुरु नानक जी के फोटो में दिखाया था. सो या चॉइस इज योर्स. मैंने तो रिव्यू बता दिया, अपना हॉनेस्ट रिव्यू बनवाना चाहते हो तो बना सकते हो. अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऑनलाइन ऑर्डर करना कैसे है. ऑर्डर करना कैसे है, देखो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो पे जाओ, कोई भी अपनी पसंद की साइज़ का फोटो फ्रेम चूज़ करो. लाइक ये है 14x20, इससे छोटा, इससे बड़ा, कोई भी आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो. उसकी प्राइस अकॉर्डिंगली उसके नीचे मेंशन होगी. इसकी प्राइस अगर मैं बोलूँ तो 400 है, बिल्कुल लायक नहीं है 400 के, 200 रुपये के भी लायक नहीं है. नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूंगी मैं मीशो का, जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था. वरना आप जहाँ से भी कोई भी साइट ओपन करते हो ना फोटो फ्रेम की, उसके डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया होता है. ऑर्डर आपको साइट से करना है, मीशो से करना है, पेमेंट आपको मीशो पे करना है. आपको ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग डेट सब कुछ मीशो पे दिखेगा, लेकिन आपको जो जो फोटोज उसमें ऐड करवाने हैं वो आपको उनके व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा. उनका व्हाट्सअप नंबर वहीं पे मेंशन होता है, नहीं तो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी जिनसे मैंने बनवाया. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप किसी से भी करवा सकते हो. तो नंबर पे आपको फोटो भेजना है और आएगा आपको ऑनलाइन ही, मीशो के थ्रू ही आएगा. ठीक है, तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा और किसने किसने ऑनलाइन फोटो बनवाया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना एक्सपीरियंस. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल.